मैं ना जॉब करता था ना मोटरसाइकिल की कंपनी में, हाँ तो फिर ना रास्ते में इनके ना अंकल ने मुझे देख लिया, तो फिर उन्होंने मुझे पूछा आपकी शादी हुई है बेटा? मैंने कहा नहीं अब मेरी शादी नहीं हुई। हाँ, उन्होंने कहा करानी है? मैंने कहा हाँ जी करनी है शादी। तो फिर उन्होंने इनके घर वालों से बात की, इनके पेरेंट्स से, तो फिर उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरी तस्वीर ले ली और मेरे डेटा ले लिया, तो फिर वो इस तरह इनके घर वालों से बात की, तो फिर उन्होंने हमारे घर वालों से बात की, फिर एक दूसरे से कॉन्टैक्ट किया, तो फिर इस तरह हमारी शादी हो अरेंज्ड। हाँ जी ठीक है। तो आप करते हैं क्या उस्मान? हाँ जी, मैं ना अपने मोटरसाइकिल कंपनी में हूँ, वहाँ काम करते हैं। ठीक, तो साइमा आपको उस्मान से मिलकर कैसा लगा और आप क्या करती हैं? जी मैं भी जॉब करती हूँ, माशाल्लाह गवर्नमेंट एम्प्लॉई स्पेशल एजुकेशन के हेड ऑफिस में होती हूँ। और उस्मान से माशाल्लाह शादी हुई, मेरे पेरेंट्स ने इनको पसंद किया मेरे लिए, और पेरेंट्स कभी गलत फैसला नहीं करते। ठीक, और अल्लाह का शुक्र है आज हम दोनों अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, और एक दूसरे के साथ कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई, जबरदस्त, और अल्लाह का शुक्र है हम बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। जी हम तो दुआ करते हैं आप आगे भी अपनी जो है लाइफ वो हैप्पी हैप्पी गुजारें, लेकिन मुश्किलात क्या पेश आई? मुश्किलात बस ये सोसाइटी में जो थोड़ी सी हैं प्रॉब्लम्स के, जो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए इस सिलसिले में, कि जो मजाक उड़ाते हैं अपने भी पराए भी सारे मिलके, यानी कि इन बच्चों को वो समझते हैं ये दूसरों से भी ज़्यादा करें, वो इनसे दूसरों से ज़्यादा तवक्का रखते हैं, कि मसलन के हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बच्चे अपना हर चीज़ कर सकते हैं, हर तरह के पढ़ाई में भी ये दूसरों से ज़्यादा बेहतर है, ज़हीन है हर तरीके से काम। अब मैं माशाल्लाह खाना हर चीज़, कपड़े सिलाई करना, खाना, घर के काम सारे, और ऑफिस की भी जिम्मेदारी, और मेरा घर से ऑफिस भी बहुत दूर है, जितना मैं ट्रैवल रोज का 70 किलोमीटर मेरा है, यानी कि मैं फैजपुर इंटरचेंज से लेके बरकत मार्केट तक लोकल ट्रैवल करके जाती हूँ 3-4 कन्वेयर बदल के, तो उसके बावजूद सुबह खाना बना के इनके लिए फिर जाती हूँ, तो यानी कि अपने घर को भी संभाला। हम किसी भी तरीके से मेरा बताने का मतलब ये है कि इन बच्चों को इस तरह नहीं समझना चाहिए, ये हर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, और सोसाइटी जिस तरह से आम इंसान है उसी तरह है, बिल्कुल सिर्फ एक हाइट का इशू होता है, सिर्फ हाइट का इशू होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा होते हैं। और समझ लें ये स्कूल वाले जो हैं, स्कूल में जब बच्चा दाखिल होता है 5 से आगे ये बच्चे नहीं जाते, जिस वजह से आपने देखा होगा होटलों में ये काम कर रहे हैं। थी कि जो स्कूल में आप लोगों को क्या-क्या इशू होते हैं, क्या मुश्किलें आती हैं? मेरे साथ इशू हुआ, मैं अपने खुद मुतासर फ्री को, मैं 5 तक स्कूल पढ़ी, उसके बाद मैं स्कूल नहीं गई, बाकी सारी एजुकेशन मैंने घर में, क्यों नहीं गई, वजह क्या है? बस मजाक उड़ाया, 5 तक तो बच्चियां सारी मेरे जैसी थी, इतनी आई थी एकदम, उसके बाद ग्रोथ होती गई उनकी, एकदम से बढ़ गई, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ किस्म के नामों से पुकारना शुरू कर दिया, तो मैंने अपने पापा का नहीं मैंने नहीं जाना स्कूल, मैं घर में पढ़ूंगी। आज अल्लाह का शुक्र है तालीम भी कम्प्लीट है, पढ़ाई भी, और अब गवर्नमेंट मुलाजम हूँ माशा स्पेशल एजुकेशन में, और अलहमदिल्ला अच्छी लाइफ बिता रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इससे इन बच्चों की अवेयरनेस हो, बिल्कुल लोगों को, हाँ जी, और मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन से पूछेंगे लेकिन आपके हस्बैंड से हम बात करना चाह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, उन्होंने पढ़ाई के दौरान उनको भी मुश्किल ऐसी ही पेश आई थी? हाँ जी ऐसे ही आई थी, तो फिर क्या करते भी फिर भी, हाँ जी मैंने पढ़ाई जारी रखी और एफए किया था, माशाल्लाह प्राइवेट ही इन्होंने पढ़ा, फिर लोग तो बातें करते ही रहते हैं छोटे काद को, तो फिर फिर ऐसे ही अच्छी हो गया अभी। साइमा वैसे आप बताएं कि आपने कहा कि मैं 5 के बाद आप घर में पढ़ी है, तो घर में आपने कहां तक फिर तालीम हासिल की? जबरदस्त ग्रेजुएशन आपने किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अब आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रही हैं माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र। और मैं यही गवर्नमेंट को भी ये थोड़ा सा अपील करना चाहूंगी अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब को, गवर्नर साहब ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था
तो आज मैं लाइव आपके चैनल का बड़ा शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि मेरी उन तक आवाज पहुँचे, कि उन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि बेटा आप ये काम बहुत अच्छा करिए, मुलाकात की बकायदा मुझे अपने हाउस में बुला के और कहते हैं बेटा मैं अपनी मिसेज से, वो भी सोशल वर्क बहुत करती हैं और आप माशाल्लाह इन बच्चों की प्रिंसेस हो और आप इनके पीछे जो काम कर रही हो ना इनके लिए आपने सोचा ये बड़ी बात है, मैं पूरी दुनिया पे रहा हूँ, यानी कि मैंने आप जैसी क्यूट बच्ची नहीं देखी, यानी इस तरह मुझे आपकी शेयर किया। माशाल्लाह वैसे साइमा क्यूट तो आप हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, बच्चों की प्रिंसेस ही हैं। बिल्कुल उन्होंने कहा आप इन बच्चों की प्रिंसेस हैं और हम आपके साथ हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा वैसे। और मैं यही चाहती हूँ की वजीर आजम साहब से मुलाकात को मैं अपने वफद को लेके जाऊँ उनके साथ, तो उनकी भी इज्जत में इजाफा होगा हमारी भी, इसमें मैं उनसे प्रॉमिस करती हूँ की उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे जिस तरह से उन्होंने कहा की उन्होंने कहा तारीफ की है और उनको कहा प्रिंसेस है बड़ी प्यारी है, आप भी इस तरह तारीफ करते हैं साइमा की? हाँ जी मैं भी करता रहता हूँ रोज रोज करते हैं जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा साइमा वैसे एक क्योंकि लोग जब मजाक उड़ाते हैं और मतलब नाम मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, तो आप कैसी फीलिंग्स होती हैं? पहले तो मुझे बहुत ज्यादा मैं मायूस भी होती थी कहती, लेकिन नहीं मेरे पापा ने मुझे जीना सिखाया, पापा कहते बेटा नहीं लोगों का काम है, पापा ने एक मिसाल दी, पापा कहते लोग हर हाल में बात करते हैं, पापा ने मुझे बात सुनाई, एक आदमी था अपने बच्चे को समझाने के लिए खोता लेके जा रहा था, अपने बच्चे कहता आओ बेटा आज मैं आपको दुनिया दिखाता हूँ, तो वो बच्चे को उसने ऊपर बिठाया तो वो लोग कहते हैं लो पागल आप नीचे चल रहा, बच्चे को ऊपर बिठाया हुआ, तो उसके बाद उसने बच्चे को नीचे उतारे, लो बच्चे को पैदल चला रहा खुद ऊपर नहीं बैठा हुआ या ऊपर नहीं बिठाया, यानी दुनिया ने हर हाल में बातें करनी करनी, तो बेटा अपनी जिंदगी जीनी है, सड़क हमने क्रॉस करते हुए रोड देखना, नुकसान अपना होना, किसी का कुछ नहीं जाना, आज लोग मजाक उड़ाएंगे लेकिन कल को मसलन कि आपकी लाइफ का नुकसान होगा तो नहीं, इंशाल्लाह अपनी जिंदगी जिए अपनी हिम्मत से और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। बिल्कुल ये इन बच्चों को मैं दे रही हूँ मैसेज के, आप अपनी लाइफ में आपकी बहन हूँ, जो मेरे भाई हैं छोटी हाइट के, जो मेरी बहनें हैं इनके सबके साथ मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, बिल्कुल मैंने आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ, मैं आप बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ तमाम लोगों के लिए, और इनकी जॉब का भी बंदोबस्त कर रही हूँ कि इनको गवर्नमेंट जॉब्स मिले, और आप लोगों का मुकद्दा ये नहीं है कि आप लोग होटलों में काम करें या साइकिलों के मसलन के 5 तक पढ़ के उसके बाद साइकिलों का काम सीख लिया उधर, नहीं ये आपका फ्यूचर नहीं है, एजुकेशन आप हासिल करें उसके जरिए आप आगे आए मुआशरे को बताएं। साइमा ने भी बता रही है और साइमा हम आपसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भी जानना चाह रहे हैं कि आप उसमें किस तरह से काम कर रही हैं और अपने साथ की जो बाकी सोसाइटी के लोग हैं उनको कैसे लेके चल रही हैं। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह काम कर रही हूँ, मैं जॉब करती हूँ, अभी मुझे कोई भी डोनेशन नहीं है कहीं से भी, मैं ये कहती हूँ कि ये अहले सर्वत लोगों की नज़र हम तक पहुँचे कि मसलन के इन बच्चों को भी ज़रूरत है, जैसे कि दूसरे स्पेशल बच्चे, 3 दिसंबर को आलमी डे मनाया जा रहा है, तमाम स्पेशल बच्चों का ये मैं ऑनलाइन बता रही हूँ कि मैं इन बच्चों को भी इकट्ठा करना चाहती हूँ इसी साथ में, ताकि ये वाले बच्चे भी इनका भी हक है, ये भी दुनिया बच्चों को ना अपने आप जितने सारे बच्चे उनको हम अपने सेट पे ले आएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह, ताकि इन बच्चों को भी अवेयरनेस हो, इनके मामले में भी मसलन के गवर्नमेंट की नज़र हो तमाम अहले सरवत की, इनके भी कुछ राइट्स हैं, इनको भी ये भी उसी तरह इनकी भी शादियाँ होनी चाहिए, इनकी भी तालीम होनी चाहिए, सबसे पहले जो हक है इनका तालीम का है, तालीम का है, उसके बाद हर चीज है, जब इनकी एजुकेटेड होंगे ये इनकी मैचिंग भी आसानी से हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करती, मैं अगर शादियां करवा रही हूँ ना, मैंने किसी का रिश्ता लेट जरूर करवा देना, मैंने किसी का रिश्ता लेट जरूर करवा देना, लेकिन मैंने अपने पास राज रखना है कि ये बच्चा एजुकेटेड है, इसको मैंने नॉन एजुकेटेड लड़की नहीं ढूंढ के देनी, ठीक है, और ये नॉन एजुकेटेड है इसको इसी तरह का मैच, और जो ज्यादा प्यारे हैं उनको उसी तरह के, और फिर लोग मुझे उनके पेरेंट्स दुआएं देते हैं कि बेटा आप बहुत अच्छी बच्ची हो। हाँ, आप खुद उनके पेरेंट्स के हम सारे दुआएं देंगे, बड़े प्यारे प्यारे और बड़े क्यूट क्यूट काम कर रही हैं। हमारी शादी बस अल्लाह ताला ने जोड़ियाँ आसमानों पे बनाई है, जोड़ियाँ आसमानों पे बनी है, राह चलते इनको किसी मेरे अंकल ने देख लिया था, तो उन्होंने मेरे घर बताया, पापा के फ्रेंड थे हमारे घर के साथ ही रहते हैं उनका, वो ना पुलिस में लगे हुए हैं जैसे ट्रैफिक वार्डन, वो फूलों वाली मंडी में खड़े होते हैं, मोहम्मद अफजल साहब नाम है उनका,
तो उन्होंने इनको देखा था तो उनको पसंद आया, उन्होंने हमारे यहाँ घर आके बात की। हालांकि अभी जाते मैं खुद भी शादियां करवाती थी, मेरा शादी का कोई मूड नहीं था तो वो बस जहाँ पे वो मूड नहीं भी हो जब किस्मत में कदर होना था पता भी नहीं चलता, बिल्कुल पेरेंट्स कर देते हैं, यही मेरे साथ हुआ। चले जी, ऐसे पता भी नहीं चलता जब होने पे आती है, बिल्कुल जब नहीं होती तो तब पता नहीं कितना टाइम गुजर जाता। साइमा, वैसे हमारे रियासत और मुआशरा जो है इसकी क्या जिम्मेदारी है? इसकी यही जिम्मेदारी है हमारी रियासत की भी और मुआशरे की भी कि मुआशरा जो है ऐसे लोगों को मसलन के हम इनसे हमदर्दी नहीं चाहते, हमें कोई इनसे ये भी नहीं है कि ये हमसे हमदर्दी करें या हम इस चीज़ के मुश्तक हैं, नहीं, बस ये जिए और जीने दें, यानी कि ये अपनी लाइफ जी रहे हैं, कोई नहीं, ये जिए और जीने दें। और हम भी इंसान हैं, हमें भी किसी माँ बाप ने पैदा किया है, चाहे अगर ये कोई बेटी किसी ससुराल में जाती है, समझ लें ये छोटी हाइट वालों से मेरे कॉन्टेक्ट हैं, इनके बाद शादी के बाद भी बड़े मसाइल आते हैं, ससुराल वाले भी अच्छा सलूक नहीं करते, दूसरे बच्चों के साथ उनका सलूक कुछ और होता है, यानी ये जो छोटी हाइट वाले होते हैं इनके साथ कुछ और होता है, यानी कम से कम पेरेंट्स तो इस तरह ना करें अपने बच्चों के साथ, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। तो ठीक है बहन भाई सब एक अपनी अपनी स्टेज पे होते हैं, लेकिन बच्चे ये वाले अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा मुंसलिक होते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब बच्चों को बदले में हर्ट किया जाता है तो वो बच्चे भी टूट जाते हैं। तो यानी कि मेरा ये भी मैसेज है, सोसाइटी तो करती ही करती है, सोसाइटी तो करती करती है, जब पेरेंट्स करते हैं तब बच्चा ज्यादा हर्ट होता है, वो कहता है ठीक है ये मेरा भाई है या ये बहन है, वक्त के साथ हर किसी ने करना है, लेकिन जो पेरेंट्स पे उम्मीदें होती है वो पेरेंट्स ना इस तरह करेंगे, क्योंकि वो किसी की बेटियां आती हैं आपके घरों में, बिल्कुल बेशक वो छोटी हाइट है, या तो आप लोग पहले ही ना उनको लेके आओ, बिल्कुल ऐसे आप लोग सब कुछ देख के अपने बेटे के साथ मैच करके लेके आते हैं।